थैंक यू सांची। दिखाइयो यार। सुना ये मैंने खुद बनवाया। कहा मानिक और ये रहा सांची। चल तेरी। अब तो मैं मिलवाता हूँ अपनी माताजी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। बढ़िया ही होने चाहिए भाई। तुम्हारा भाई अभी उठा है भाई, अभी टाइम हो रहा है भाई 12। और हालत देखो, मेरी शक्ल देखो भाई, ना बियर्ड करवाई है कितना टाइम से, ना भाई बाल देखो, देख रहे हो? तो भाई अभी तुम्हारा भाई जाएगा थोड़ा श्रृंगार करने वाला है, क्योंकि श्रृंगार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है भाई, आज सांची मेरे को एक सरप्राइज देना है। तो अभी तक उसका कॉल वगैरह तो मुझे कुछ आया नहीं है, बट मुझे पता आ जाएगा। तो अभी चलते हैं भाई, सबसे पहले हम बेड वगैरह करवा के आते हैं और बाल भी, क्योंकि भाई ये चीजें जरूरी है, क्योंकि भाई तुम्हारा बहुत हैंडसम है यार, तुम्हें तो पता ही है ना। काफी लोग कमेंट करके बोल रहे थे भाई अपने घर में क्या करवाया, अपने रूम में क्या करवाया, हम सबको भी बताओ ये वो। अभी तो आपको मैंने रूम का बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने पूरा सेटअप नहीं किया हुआ है, तो जितना भी किया मैं आपको वो सब दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है हमारी रिंग लाइट, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो शूट करने के लिए। सेकंड चीज ये भाई मैंने अपने बेड पर नीचे ये लगा रखी है भाई, बहुत ही सही लग रही है। वीडियो में थोड़ा इसका कलर ज्यादा ब्लू आ रहा है, बट हाँ ऐसा कलर है, ठीक है। तो ये लगा रखी है भाई मैंने चारों तरफ से। और ये रहा मेरा बेड। ये जो डिजाइन देख रहे हो ना, ये मैंने खुद बनवाया हुआ है वीडियो में देख देख के भाई। तो ये अपने रूम में बनवाया हुआ है। देखो स्पीकर देख रहे हो कहाँ रखे हैं, चार्जर स्पीकर वगैरह सब कुछ वहां पे लग जाता है, क्योंकि भाई ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है तुम्हारे बेड के साथ में चार्जिंग पॉइंट। तो भाई ये चीज करवाई है। अभी रूम में काफी चीजें करवाना बाकी है। तो गाइस जो जो मैं करवाता रहूंगा अपने रूम के सेटअप के लिए, वो आपको मैं दिखाता रहूंगा। तो कमेंट में जरूर बताना गाइस ये डिजाइन आपको कैसा लगा। अभी तो सिर्फ इतना सा भी करवाया हुआ है, तो जो जो था मैंने आपको दिखा दिया। और ही काफी चीजें, बट वो अभी इनकम्प्लीट है, तो जैसे वो भी कम्प्लीट हो जाएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बेड वगैरह और बाल वगैरह सेट करवा, तो चलो चलते हैं। गाइस ये चेक कर रहे हो भाई, तुम्हारे भाई को सेक्सी बना दिया भाई, कटिंग देख रहे हो? तो भाई ये क्या है इस लोंडे ने? तो गाइस बहुत ही तगड़ी कटिंग करता है भाई। मेरे भाई की इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो भाई भाई को कुछ भी पूछना हो तो भाई भाई को डीएम कर देना। गाइस भाई तुम्हारा घर आ चुका है, तो भाई कटिंग वटिंग देख रहे हो भाई, बियर्ड वगैरह सब कुछ सही हो गई है। तो अब रेडी होते हैं फटाफट, रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ। तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, और सांची से मेरी बात हो गई हुई है, वो बुला रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि उसने सरप्राइज क्या देना है। मतलब जहां तक मुझे लगता है उसने पक्का कोई गिफ्ट लिया हुआ है मेरे लिए, उसने मेरे को गिफ्ट देना है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है। तो बाकी पता नहीं उसने मेरे को आज क्या सरप्राइज देना है। और उसने बोला था कि 200K पे आपके लिए सरप्राइज है। तो जैसा कि आपको पता है भाई मेरे 200K हो गए हैं, उसके लिए गाइस थैंक यू सो मच भाई, दिल से सबको इतना सपोर्ट करने के लिए यार, लव यू यार सबको जो जो इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो गाइस निकलता हूँ मैं यहाँ से, निकालते हैं अपनी मॉन्स्टर बाहर, चलते हैं सांची के पास। एक चीज और, आज तक मैंने आपको अपने डॉग से नहीं मिलवाया ना, तो आपको मैं आज अपने डॉग से मिलवाता हूँ, रुको। ये देखो भाई, ये महारानी है हमारे घर की भाई, देखो कैसे सोई हुई है। तो गाइस इसका नाम रखा हुआ है मैंने लूसी। तो मैंने आपको आज तक कभी नहीं बताया भाई, तो ये है मेरी लूसी। तो गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा है मेरे को। क्या हुआ, नींद आई है? बेहोश है भाई ये नींद में, सो जा सो जा सो जा। एंड गाइस ये फीमेल है, तभी इसका नाम लूसी रखा हुआ है। कैसे आराम फरमा रही हो तुम, इसकी लाइफ मस्त है यार, खाना पीना सोना, बस ऐसी लाइफ होनी चाहिए। गाइस लद्दाख से आने के बाद भाई मैंने इसकी एक बार भी सर्विस नहीं करवाई है, तो मेरी बाइक सर्विस मांग रही है, क्योंकि भाई इसके ब्रेक शू वगैरह सभी घिस चुके हैं और चैन वगैरह, मतलब सर्विस मांग रही है बाइक मेरी यार, तो करवानी पड़ेगी। एक दो दिन तक इसकी सर्विस भी करवाना बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सांची ने मेरे लिए गिफ्ट लाया होगा कोई, वो सरप्राइज होगा। अब देखेंगे कि भाई क्या सरप्राइज होने वाला है। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है भाई। जिसे मैंने सांची को प्रपोज किया था भाई, उसको मैं लेके गया हुआ था शिकारगा में, तो शायद आज भी वहीं पे जाएंगे। तो पूछ लूंगा सांची से कि वो क्या बोलती है, अगर शिकारगा जाने का ही सीन हुआ तो भाई वहीं पे जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छी जगह है और आज मौसम भी ठीक ठाक ही है, मतलब गर्मी भी नहीं है और इतना अच्छा मौसम भी नहीं है, ठीक ठाक है। एंड गाइस सेकंड चीज ये कि भाई आपको रूम वगैरह मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने क्या करवाया है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि मैंने क्या क्या करवाया, डिजाइन वगैरह चेंज करवाया, तो इसलिए भाई काफी लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने दिखाया। क्योंकि गाइस देखो भाई, मैं तो हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, तो हमारे लिए ये छोटी छोटी चीजें ही भाई बहुत खुशी होती है हमें, ये सब चीजें अगर हम करवाते हैं अपने खुद के पैसों से। और गाइस ये सब पॉसिबल हुआ आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो भाई आप लोगों को ही नहीं दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं, तो फिर किसे दिखाऊंगा। तो गाइस यही सीन था, यही बात मेरे को आपसे कहनी थी। तो एंड गाइस सेकंड चीज भाई, सेकंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों के लिए भी हो सकती है और मेरे लिए तो है ही है, वो ये कि भाई 300K में सुपर बाइक ले लूंगा। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि 300K में सुपर बाइक ले लूंगा। जिस दिन भी 300K होंगे आपका भाई सुपर बाइक पे होगा उस दिन। तो गाइस बस यही बात बोलनी थी, तो अब चलते हैं फटाफट सांची के पास। ये रही भाई सांची की गली, देखा अभी तक नहीं आई है, वो देखो वो चल भी कैसे रही है, जल्दी चल ले जल्दी चल ले यार, बहुत गर्मी है। तू तो घर से आई है ना, कैसी हो तुम? हेलमेट दिखा दे, हेलमेट मेरे को, मेरे को तेरी हेलमेट अच्छी लगती है, मैं तेरी हेलमेट ले लूँ, तेरी हेलमेट ले लूँ मैं, तू मेरी लगा ले। इतनी गर्मी में बाल खुले रखने की कोई ज़रूरत है? तो गाइस मैंने जो सोचा था वैसा तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को।
बाल आगे क्यों रखे, देखो गर्मी नहीं लग रही है तेरे को, देख के मुझे गर्मी लग रही है। शिकार का चले, सोच के आई थी कि घर से किधर ही जाना है, चले मेरे को बेस्ट जगह वही लग रही है ना, गर्मी लग रही है ना। वाले देखो इसकी कोई फायदा ही नहीं इतना मेकअप करके आने का, ठीक है निकल जाएगा सारा पसीने से। नहीं है दिखाना, इधर इधर देखा उतर रहा है। पसीने है गाइस, कह रही है पसीने है। क्या करना चला फिर वहीं पे। अच्छा ठीक है चलो, तो भाई चलते चलते यहाँ से। आज फाइनली राइड का बहुत मजा आने वाला है भाई, 3-4 दिन के बाद मिला भाई सांची से। बाद भी नहीं, लद्दाख के बाद ये मेरी राइड है। नहीं मिला कब था तेरे से, 3 दिन हो गए ना हमें, 3 दिन पहले मिला था ना मैं तेरे से। हाँ, 3-4 दिन है ना। तो भाई 3-4 दिन के बाद अब मिला हूँ मैं इससे, तो अब हम जा रहे हैं भाई राइड पे। तो राइड पे क्या मतलब, राइड तो आपको पता ही है, इसको लेके जाऊंगा राइड तो होनी है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंचे हैं भाई सिदरा वाले पुल पे, देख सकते हो भाई दिल्ली 600, चंडीगढ़ 340, जलंधर 250। इतने दिन के बाद देखने को मिला यार, लगभग मुझे लगता है 15-16 दिन के बाद देखा है मैंने, है ना। 20 दिन। तो गाइस 20 दिन के बाद भाई इस रोड पे आया हूँ मैं अपने सिदरा वाले, और ये 20 दिन के बाद देखने को मिला भाई सिदरा वाला हाईवे। तो वैसे ही है यार, सब कुछ सही है, क्योंकि भाई ये जो रोड है ना, ये हाईवे है ना जो भाई, ये नहीं बोलता भाई, यहाँ पे ही सब कुछ सीखा है। कि मेरे को लगता था कि भाई सांची ने कोई गिफ्ट लाया हुआ है मेरे लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है, तो पता नहीं क्या सरप्राइज होने वाला है। तो रुको एक बार मैं पूछता हूँ इससे, सांची तूने तो बोला था 200K पे आपको सरप्राइज देने वाली हूँ। चलो ना, चलो ना। क्या सरप्राइज है थोड़ा तो बता दे, चूल मचरी है मेरे को जानने की, क्या सरप्राइज है। उधर जाके पता चलेगा। कितनी चलाक है यार ये। अभी हम आए हैं बजालता वाले रोड पे, तो यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर है भाई शिकार का, तो चलते हैं भाई फटाफट, अब आपको सीधा शिकार के बाहर ही मिलेंगे भाई। अभी किस्मत का बदलना सुना है, तो गाइस अभी हमारे साथ वही हुआ भाई, मौसम देखो, मतलब आपने इससे पहले देखा होगा ना कितनी तेज धूप थी, और अब देखो भाई मौसम काले काले बादल आ गए भाई, मतलब क्या मजा आने वाला। ये रहा हमारा शिकार का, इस बाइक लगाते हैं अपन यहाँ पे, बाल बाल सारे खराब हो गए, कोई फायदा नहीं रहा इतना सेट करने का, ठीक है। इसने कम से कम 1.5 घंटा लगाया। ओ ये क्या, ओ गाइस देख रहे हो इस मेकअप का सारा सामान लेके आई है तू। कंघी लाई हूँ यार, इतना क्या जरूरत है, शादी में थोड़ी जा रही है। देख रहे हो लड़की को लाने का ये अंजाम होता है, बस कर ले सांची, लोग देख रहे क्या कर रही कंघी कर रही है, घर से करके आनी थी ना, बड़ी पागल है भाई ये। हम शिकार का आ चुके हैं, और हम फिर से वहीं पे आए जहाँ पे हम पहले आए थे भाई, सबसे ऊपर। अरे भाई भाई रुक जाना भाई। तो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कि हम पिछली बार कहाँ पे बैठे थे, और आज भी हम वहीं पे बैठने वाले हैं। तो गाइस ये जगह जहाँ पे हम बैठे थे पिछली बार भी, और इस बार भी यहीं पे बैठे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो भाई उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे फैन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक ये है तो इसकी साउंड आ रही होगी। तो अभी हमने ऑर्डर करवा दिया हुआ है, अब हम करेंगे सांची के साथ थोड़ी बातचीत, तो देखते हैं भाई क्या मैटर है आज। पूजा कर लेते हैं जैसा कि सांची ने बोला, फिर काम दूजा, बट साथ साथ में हम खाते खाते बात भी कर सकते हैं ना सांची। मेरे को तो बहुत भूख लगी, मैं नहीं करूँगी। अच्छा बता तो दे, थोड़ा बहुत हिंट तो दे दे, क्या सरप्राइज है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा तूने कोई सरप्राइज लाया ही नहीं है, और मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ। देख लेना ना बाद में, सबर ही नहीं है। देख लेना बाद में यार, बता दे यार क्यों वेट करवा रही है। बोला ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो गाइस पहले खा लेते हैं पूरा, खत्म है खुद ही करूंगा। गाइस खाना वाना हमने खा लिया हुआ है, तो बताओ भाई अब क्या सरप्राइज है। रुको मैं इसकी तरफ कैमरा करता हूँ। ये रहा फैन जिस जहाँ से शोर आ रहा है, अभी तो भाई तुम्हारा फोन से शूट कर रहा है भाई, कैमरा वैमरा तो लिया नहीं है अभी, इन फ्यूचर वो भी ले लेंगे, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, है ना। अच्छा बताओ, टॉपिक चेंज नहीं करूंगा मैं, बताओ जल्दी क्या सरप्राइज था, क्या बोल रही थी तुम, क्या ये क्या, ये क्या 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 उतारूं? उतारू तू पागल है, दिखाइयो तेरा दिमाग खराब हो गया वो भाई, दिखा 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 दिखाना, परमानेंट है ये तो, और क्या 4 दिन हो गए हैं, दिखाना नहीं मिटेगा यार। ये तूने कब का बनवाया, 4 दिन हो गए और तू मुझे आज बता रही है, दिखाइयो यार। ओ गाइस देख रहे हो भाई साहब, ये ओरिजिनल ही है, सच में ओरिजिनल है ना, ये परमानेंट है।
पक्का परमानेंट है ये? तू पागल है? तू पागल है? गाइस ये लड़की ना पागल हो चुकी है, इसने परमानेंट नाम लिखवा दिया है मेरा। ओ भाई साहब, 4 दिन पहले बनवाया था और तू मुझे आज बता रही है? ओ भाई, इसने ना दिखाइयो हाथ, इधर दिखा। गाइस इसने परमानेंट नाम लिखवा दिया मेरा। गाइस देख रहे हो, यह तो डिजाइन ही बड़ा सही लग रहा है इस पे। अभी वो ऐसे लग रहा है जख्म टाइप आया हुआ है इसमें अभी भी, है ना, अभी सही तरीके से फिल नहीं हुआ है। तो गाइस देख रहे हो, फाइनली इस लड़की ने भी मेरा नाम लिखवा दिया। अब हम दोनों एक साथ में दिखाते हैं हम दोनों का नाम, ठीक है? देख सकते हो भाई, ये रहा मानिक और ये रहा सांची। तो मेरा थोड़ा लाइट हो गया, मतलब लाइट नहीं हुआ है, बट मेरा डिज़ाइन अलग है ना, शेडिंग नहीं हुई है। तेरे में शेडिंग हुई है, सेंटर से उसने बीच में से इसको खाली रखा हुआ है। बट कितना सही लग रहा है यार तेरा, मतलब मेरा नाम कितना सही लग रहा है ना। ये मेरे ना बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाली है तू। थैंक यू सो मच। खुश तो मैं इतना ज़्यादा हूँ ना कि मैं मतलब अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। तो बट कोई बात नहीं, इसको हजम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। 4 दिन से वेट कर रही हूँ, बार कब जाएंगे, कब दिखाऊंगी। तो इसने 4 दिन पहले से बनवा रखा था भाई, और मेरे को इसने आज बताया। मेरी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे लोग आएंगे, एक तो ये एंड सेकंड आप भाई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप इतना सपोर्ट कर रहे हो यार। भी लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, तो जितना हो सके मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बट बात वो नहीं है, बात यह है कि मैं थोड़ा चौंक गया हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसने ऐसा कुछ करना है। तो बट अब कोई बात नहीं, अब हो गया, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस हम यहाँ से 5-10 मिनट तक यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है? हाँ तो फिर बाइक लेके, मुझे तो पता ही था ये लाइन तूने बोलनी है। बड़ा टाइम हो गया यार। तो गाइस चलते हैं यहाँ से फिर 5-10 मिनट तक। बेस्ट जगह कहते हैं ना जिसे, वो भाई मेरे को अब तक की शिकार का लगती है, क्योंकि एक तो भाई इनका फूड बहुत ही टेस्टी है, यहाँ पे ज़्यादा महंगा खाना भी नहीं है भाई, जेन्युइन रेट लगेगा आपको, सच बोल रहा हूँ ना मैं, बस है ना। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, तो अब आपको मिलेंगे थोड़ा आगे सिद्रा वाली साइड, क्योंकि भाई इसने बाइक मांगनी है। एक बार फिर से दिखा दे गाइस, ये देख रहे हो मनिक तेरी चल हाय कर सबको हाय कर। गाय धूप बहुत ज्यादा, आंखें खुली नहीं थी तेरी तो गाय निकलते हैं यहाँ से। सांची मैंने एक चीज और सोच लिया, 300K पे मैं सुपर बाइक लेने वाला हूँ। मतलब मैंने तो ये सोचा हुआ है, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का प्यार रहा, तो हम 300K पे यस। पीछे से आवाजें आने लग जाती है कि भाई दो बाइक क्या, देखो बाइक। अब हम देखेंगे इसने बैग में लाया क्या क्या, ठीक है गाइस? अच्छा, इसके बैग में पड़ा है मोबाइल और लिपस्टिक, 3 लिपस्टिक पड़ी है और एक कंघी रखी हुई है इसने। रुक जा, ये तूने मुझे क्यों पकड़ा दिया? हाँ ये तो खुद भी तो पहन सकती है, मैं ये पहना हूँ अच्छा लगता हूँ। अच्छा रुक लगा देता हूँ, एक मिनट रुक। गर्मी बहुत लग रही है इसको, इसकी आंखें नहीं खुल रही है। गाइस गियर तो दे दो आराम से। हाँ चल आराम से छोड़ क्लच, अरे इस दे बैठो ना। ओह माय गॉड, माना तो ट्रेन क्या हो गई है, बैठो ना। आज मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाने वाला हूँ, मेरी माता, मेरी मदर, मेरी माँ, तो उनसे मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ और सांची को अपने घर लेके जाने वाला हूँ। मेरी मम्मा से सांची वैसे भी मिल चुकी है पहले ही, तो आज मैं सांची को अपने घर लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई लद्दाख ट्रिप में क्या क्या चीज़ें लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको मैं घर जाके बताता हूँ। आज मैं ब्लॉग एंड करूँगा भाई अपने घर पे, क्योंकि इसको वहीं पे लेके जाने वाले हैं, तो चलते हैं। चलो अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और ये रही भाई सांची, अब तो मैं मिलवाता हूँ अपनी माता श्री से। ये है मेरी मम्मा। मम्मा इधर देखो, उधर का देख रहे हो? तो गाइस मम्मा भी मेरी तरह क्यूट ही है ना, हम तीनों में से भाई। इधर देखो मम्मा, पास आओ सारे भाई, सारे पास आ जाओ। तो गाइस कमेंट में बता देना हम तीनों में से क्यूट कौन लग रहा है। तो मेरी मम्मा तो बहुत शरीफ से, क्यूट से, मासूम से, तो जैसा मैं हूँ मतलब बिल्कुल वैसे ही है। सांची भी क्यूट है, मतलब मेरे से ज़्यादा तो नहीं है। एंड गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, लद्दाख जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पेंचर किट, और भाई एयर पंप जरूर रख लेना, क्योंकि टायर कहीं भी पेंचर हो सकते हैं, और भाई दो दो तीन तीन घंटे तक कोई टायर पेंचर की दुकान नहीं मिलेगी आपको,
वो रख लेना। एंड सेकंड चीज भाई, सारा काम प्लानिंग के साथ करना, सब कुछ पहले प्लान करके रखना कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ स्टे करना है, ये चीज पहले डिसाइड कर लेना। एंड थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी ग्रुप में रहते हुए अकेले आगे मत जाना। अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो भाई अपने ग्रुप के साथ ही रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बस ये तीन मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अपने ग्रुप से अलग कभी नहीं होना, ज्यादा दूर मत जाना, अपने ग्रुप के साथ साथ ही चलें। अपने साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल जरूर कैरी कर लेना। तो बस आज का व्लॉग गाइस बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।